तो ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने छोटे होने के बावजूद भी इतने समझदार कैसे हो। एक बात पूछूं? हाँ। आप दोनों चोरी क्यों करते हैं? माँ कहती है कि चोरी करना बुरी बात है। चोरी करना हमारा पेशा नहीं है, लेकिन क्या करते, हमारे पास ना काम है ना पैसा और ना ही रोटी, और 2 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला, भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए चोरी करने चले आए। पहले क्यों नहीं बताया, हम अभी आपको खाना खिलाते हैं। चलो हम सब मिलकर इनके लिए कुछ बनाते हैं। हम बनाएंगे खाना? मुझे तो सिर्फ खाना आता है यशु, बनाना तो कभी सीखा ही नहीं। तो आज हम सब साथ में खाना बनाना भी सीख लेंगे। एक मुसीबत खत्म हुई, दूसरी शुरू। शिशु, तूने देखा ना कि उन लोगों ने मेरी माँ को कितनी चोट पहुंचाई, फिर भी तुम उन्हें खाना खिलाओगे? बड़े भैया सही कह रहे हैं, माँ को चोट पहुंचाई है। उनको अभी के अभी घर से बाहर निकालना चाहिए, क्या पता उनके दिमाग में अभी भी कोई खुराफा चल रही हो। बड़े भैया सही कह रहे हैं। गलती तो हर किसी से होती है बड़े भैया, लेकिन गलती करने वाले को गलती सुधारने का एक मौका मिलना ही चाहिए। यीशु, ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर के लोगों की गलती सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ तुमने ली है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये दरियादिली किसी दिन बड़ी मुसीबत में डाल दे हम सबको, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। यीशु, आशा पानी लाओ। यीशु, नमक के बिना खाने में स्वाद ही नहीं होता। यूं समझ लो जैसे जीवन में प्यार बहुत जरूरी है, वैसे खाने में नमक की जरूरत है। नमक चाहिए, माँ नमक वहां रखती है। यीशु भैया, चूल्हे की आग बुझ रही है। Thank you.
भर कर खाना खाइए। ईश्वर को हम नहीं मानते, लेकिन सच में अगर ईश्वर का कोई बेटा इस संसार में होता तो उसकी सूरत बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। येशु, 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 बच्चा प्रभु का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो बेटा। यीशु, बेटा ये खून के दाग कैसे? कहीं चोट लगी है क्या? बताओ मुझे कहां लगी है, बताओ ना। यीशु, क्या हुआ बेटा, कैसे लगी ये चोट? ये मेरा खून नहीं है। मैं बताता हूँ अभी आपको सब कुछ। पिताजी पता है कल रात यीशु, भाभी आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप मुझे शांत होने को कह रहे हैं? आपको पता भी है आपके लाडले यीशु ने किया क्या है? इसने न सिर्फ उन चोरों को अपने घर में शरण दी, बल्कि अपने हाथ से खाना बनाकर उन्हें खिलाया, जो कि न सिर्फ इस घर में चोरी करना चाहते थे, बल्कि मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारना चाहते थे। आप सबका चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि इस यीशु ने आप सबको कुछ भी नहीं बताया है। मैं बस बताने ही वाला था। तुम तो चुप ही रहो यीशु। आप सबको पता भी है इन बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी मैंने। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे इन बच्चों का क्या होता? वो तो ईश्वर की कृपा थी कि ये सब अनाथ होने से बच गए। लेकिन यीशु को अपने परिवार की नहीं उन चोरों की चिंता ज्यादा थी। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं अभी रब्बी गुरुजी के पास जाती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि इन चोरों को
सम्राट के हवाले कर दे। कृपया करके हमें सम्राट के हवाले मत कीजिए। अच्छा तो यहाँ पे इस घर में बिठा कर तुम्हारी आरती उतारे? भूल गए कि तुम ही लोग मेरे और मेरे बच्चों की जान के पीछे पड़े थे, मार देना चाहते थे हमें? हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। सच मानिए, आप लोगों को चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर पता नहीं कैसे, क्या करें, पेट की भूख बड़ी जालिम होती है। कई बार वो हमसे ऐसा करवा देती है जो हम कभी करना नहीं चाहते। देखो तुम्हारी ये गोल मोल बातों में ये लोग आ सकते हैं, मैं नहीं। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन यकीन कीजिए हम लोग दो दिन से भूखे थे। हमारे पास ना काम है ना पैसा, इसलिए हमारे दिमाग में मजबूरन चोरी का ख्याल आया। यदि आप इन्हें कोई काम देंगे पिताजी, तो इन्हें कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी और इस स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन यीशु बेटा, ये मेरा यकीन कीजिए पिताजी, ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं भैया, इनको अपने यहाँ काम देने के बारे में सोचिएगा भी मत। हम किसी अनजान आदमी पे यूं आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। माँ, आपने बताया था ना कि हर टूटी चीज फिर से जोड़ सकती है। हर समस्या का हल है प्रभु की कृपा से। खिलौने की ये दरार जीवन रेखा में भी बदल सकती है। ठीक उसी तरह हर गलती को सुधारा जा सकता है ना? तो क्या हम इन लोगों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका नहीं दे सकते? भाभी, मैं समझ सकता हूं कि कल की रात आप पर बहुत ही भयानक गुजरी होगी। जरा सोचिए भाभी, अगर हम इन्हें सुधरने का एक मौका भी नहीं देंगे तो इसका मतलब यह होगा कि समाज में व्यापक एक समस्या को हम सुलझाने की जगह बढ़ावा दे रहे हैं। देखो ना भाई, ईश्वर ने हमें इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का एक मौका दिया है, ताकि इन्हें चोरी या दूसरा कोई बुरा काम ना करना पड़े। मुझे लगता है हमें ईश्वर के संकेत को समझ लेना चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप ये सोचते हो तो मैं आपके फैसले के साथ हूं। देखो, तुम दोनों कुछ दिन मेरे साथ रहकर बढ़ाई का काम सीख सकते हो। उसके बाद जिंदगी में तुम्हें चोरी जैसा बुरा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने हुनर और अपनी मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी जियोगे। हम दोनों जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। ठीक है, माँ और बेटा फिर से एक साथ हो गए, है ना? यीशु, यहाँ बेटा। सिर्फ इन चोरों की बात नहीं थी। मैं जानती हूँ
कि तुम किसी दूसरी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे थे। बताओ ना मुझे, पूरी बात बताओ कि क्या हुआ था, बोलो। शैतान ने मुझे अपनी माया जाल में फंसा लिया था माँ। बहुत डरावनी और अजीब सी जगह थी वो। मैंने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मैंने आपको पुकारा, माँ रक्षा कीजिए, माँ रक्षा कीजिए। और पता है क्या हुआ? क्या? आप साक्षात देवी बनकर मुझे वहां बचाने के लिए आ गई। यीशु, आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शैतान के मायाजाल से बाहर ले आई। मैं आपको बता नहीं सकता कि आप देवी के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। बेटा, हर संतान को अपनी माँ में परमेश्वर दिखाई देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप से ही हमें माँ मिलती है ना? और माँ के प्रताप से हमें परमपिता परमेश्वर मिलते हैं। किसके लिए पीस रहे हैं यीशु भैया? मन्नू ने बताया कि खिलौने वाले चाचा जी की तबीयत कई दिनों से खराब है, इसलिए मैं उन्हीं के लिए ये औषधि बना रहा हूँ। क्योंकि जब मुझे बुखार हुआ था तो माँ ने भी मुझे यही वाली औषधि पिलाई थी और फिर मैं झट से ठीक हो गया था। तुम देखना, खिलौने वाले चाचा जी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। यीशु, चलो मेरे साथ। क्या हुआ मन्नू? बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है यीशु, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम चलो मेरे साथ। आशा, मैं मन्नू के साथ जा रहा हूँ, तुम माँ और पिताजी को बता देना। चलो मन्नू। अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। बुरा हुआ, बहुत बुरा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मन्नू कि अब तुम्हारे बाबा अशुद्ध हो चुके हैं। मुझे बाबा के पास जाना है। तुम अंदर नहीं जा सकते हो। मन्नू को छोड़ दो, अब ये घर अशुद्ध हो चुका है। अब कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता है और ना अंदर से बाहर आ सकता है।